हेलो दोस्तों, आपका राधा वल्लभ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो सकें। भरसक प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के थ्रू आप पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो चलते हैं हम आगे की ओर। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन जो कि संख्यात्मक समाकलन होता है, संख्यात्मक समाकलन वह विधि है जिसके द्वारा किसी भी निश्चित समाकलन का मान फलन के सारणी के रूप में उपलब्ध मानों की सहायता से निकाला जाता है। इसका प्रयोग किसी भी इरेगुलर अनियमित आकृतियों के क्षेत्रफल को या आयतन को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। यदि हमें किसी पर्वत का लेना है और उसको हम बनाते हैं, और इस चीज़ का अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समस्या होती है कि ये किसी भी शेप में नहीं है। तो इसके लिए हम दो लाइन क्लियर कर लेते हैं, जिसको निश्चित समाकलन में हम लोग लिमिट के रूप में जानते हैं, लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी। तो अगर हम यहाँ पर ए और बी लिख देते हैं, तो इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनके बीच में जितने भी भाग हम बना सकते हैं, छोटे छोटे भागों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। ये जो छोटे छोटे भाग होते हैं हमारे, इनके क्षेत्रफल जब ज्ञात हो जाते हैं, इनको समराइज कर लेते हैं, तो हमारा पूरा मान ज्ञात हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे चलते हैं। हमारे जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के कोर्स में ये मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं। पहला आपका होता है समलंबी, दूसरा सिंपसन। सिंपसन को दो भागों में देखा गया है। इसके दो भाग होते हैं, जिसमें पहला हम कहते हैं इसे 1/3 रूल, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है 3/8 रूल। समलंबी या सिंपसन, इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, सिर्फ फार्मूले का अंतर है, बाकी वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है। तो हम पहले इसको लेके चलेंगे समलंबी को, ताकि आप एक चीज़ को पहले समझे रहेंगे तो दूसरे में हमें समझने में आसानी होगी, और उसका वीडियो हम अगले वीडियो में बना के डालेंगे। पहले हम बात करते हैं समलंबी की। जो समलंबी है हमारा, इसे हम लोग ट्रेपेजॉइडल कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू एच बाई टू वाई जीरो प्लस वाई एन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस डॉट 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 प्लस वाई एन माइनस वन। इस फार्मूले की सहायता से हम समलंबी के नियम का प्रयोग करेंगे, जिसमें वाई जीरो हमारा पहला पद, वाई एन आखिरी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है हमको निकालना होता है एच का मान। एच का मान होता है बी माइनस ए अपॉन एन, जहां बी अपर लिमिट, ए लोअर लिमिट, एन एन का मान अधिकतम हमको दिया होता है। किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं तो उसमें दिया रहता है इतने भागों में या इतने समान भागों में, इतने खंडों में, वो हमारा एन का मान होता है। यदि n का मान नहीं दिया है, तो n का मान हम b माइनस a से निकाल लेते हैं। इसे n बराबर हम कहते हैं पट्टियों की संख्या। n का मान निकालने के बाद हम निकालते हैं कोटियों की संख्या। जिसका फार्मूला होता है n प्लस वन। अब
ये हमारा फार्मूला है और जिसके ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं कि हम पहले h का मान निकालेंगे। h का मान का फार्मूला होता है b माइनस a अपॉन n। मैं फिर से बताता हूँ, n का मान अगर हमें दिया हुआ है तो क्वेश्चन में दिया होगा इतने भागों में या इतने खंडों में। यदि ऐसा कुछ नहीं दिया है तो n का मान हम b माइनस a मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, जो आएगा वही n का मान ले लेते हैं। जो n का मान होता है उसे हम कहते हैं पट्टियों की संख्या, और जो उसके बाद निकालते हैं कोटियों की संख्या, जो होता है फार्मूला हमारा n प्लस वन। ये फार्मूला इसलिए ध्यान रखना होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें टेबल बना के देता है। अब अगर टेबल बना के दिया है तो उसमें अगर हम देखेंगे तो कोटियों की संख्या पता होती है, और एक निकाल देंगे एक माइनस कर देंगे तो हमारा n का मान आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल उठाते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं तो शायद ज़्यादा हम आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 5 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसे हमें समलंबी नियम से हल करना है। अब इसके आगे हमको कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन बस यही है लोअर लिमिट 1 टू अपर लिमिट 5 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का मान समलंबी नियम से निकालिए। अब हमको सिर्फ इतना ही क्वेश्चन दिया है, अब इसमें हमारे पास कुछ नहीं, सिर्फ हमको क्या पता है कि हमको समलंबी नियम का प्रयोग करना है, ट्रेपेजॉइडल नियम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला हमने आपको अभी बताया, a इज इक्वल टू h बाई टू ब्रैकेट में y0 जीरो प्लस वाई एन प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस एंड सो वन वाई एन माइनस वन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, h, जो कि आपका फार्मूला है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। अब हमको पता है कि b क्या है हमारा, अपर लिमिट, a क्या है लोअर लिमिट, इट मीन्स 5 माइनस वन अपॉन। अब बात आती है n की, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है हमें कि खंडों की संख्या इतने भागों में, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने बताया आपको b माइनस a, इसका मतलब ये है कि 5 में से एक गया 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4, 5 माइनस वन इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 क्रॉस करेंगे और h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। अब हमें h का मान मिल गया और n का मान हमने कितना रखा, 4, तो मतलब पट्टियों की संख्या n इज इक्वल टू 4, कोटियों की संख्या इज इक्वल टू n प्लस 1, इट मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इतना हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी बेसिक स्ट्रक्चर का पूरा सेम एज इट इज यूज हमारा, चाहे सिंपसन हो चाहे ट्रेपेजॉइडल। ये आपके लिए वहां भी हेल्पफुल साबित होगा, अगर हम इसको माइंड में रखेंगे तो हमारा अगला वीडियो हमको बनाने में और आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगले स्टेप की ओर चलते हैं। इतना हो जाने के बाद, जैसा हमने कहा, न्यूमेरिकल जो इंटीग्रेशन है ये हमारा क्या करता है कि किसी भी निश्चित समाकलन को सारणी के रूप में समझाने के लिए हेल्पफुल होता है, तो हमको इसका टेबल बनाना होगा। जब टेबल बनाने चलेंगे तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को दो पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेंगे, फर्स्ट में x और सेकंड में y। y इज इक्वल टू जो आपको क्वेश्चन दिया था dx अपॉन 1 प्लस x, तो हम यहां लिख देंगे 1 अपॉन 1 प्लस x। इसके बाद अब इतना का हमारा हर एक टेबल में क्लियर रहेगा कि पहले दो भाग में बांटेंगे, पहले को लिखेंगे x और नीचे वाले को y। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा ब्लॉक है उसमें हम देखेंगे कि हमारी पट्टियों की संख्या कितनी थी, पट्टियों की संख्या कितनी आई, 4। इट मीन्स इसमें हम 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब हमने 4 लाइंस यहाँ पे पार्ट दिया। अब हमारा कोटियों की संख्या निकली थी 5, तो अब हम देखें तो हमारे 5 भाग ऑटोमेटिक बन चुके होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अगर इतना हमारा सही है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, टेबल जो हम बना रहे हैं वो सही है। ये हमारा पहला स्टेप है जब हम ये चेकआउट करेंगे कि हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं। अब इसमें बात होती है वैल्यूज़ को पुट करने की, तो समझने के लिए है कि ये हमारा x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये हमारा x4। उसी तरीके से ये हमारा y0, y1, y2,
वाई थ्री वाई फोर। एक्स के लिए था तो एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, वाई के लिए है तो वाई जीरो वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर। एक्स जीरो पर जब हम वैल्यू रखते हैं तो पहली वैल्यू शुरू होगी हमारी ए से, ए का मतलब लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारे पास कितना दिया है वन, मीन्स हम यहाँ पर रखेंगे वन। अगली वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एक्स जीरो इज इक्वल टू ए, एक्स वन इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो ए की वैल्यू कितनी थी हमारी वन, एच की वैल्यू कितनी है वन, तो वन प्लस वन टू। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब भी वैल्यू रखेंगे हम लोग पहली वैल्यू हमेशा इनिशियली लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लोअर लिमिट जो भी होगी। यहाँ पर हमारा लोअर लिमिट वन था तो हमने इसे वन रखा। अगली वैल्यू जब रखना होगा, मीन एक्स वन यहाँ दिख रहा है, एक्स वन की वैल्यू जो होगी ए प्लस एच, मीन्स वन प्लस वन इज इक्वल टू टू। इसी तरीके से फिर चलेंगे एक्स टू में चलेंगे तो अब हमारा हो जाएगा एक्स वन प्लस एच। अब एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई टू, तो मतलब ये हो गया टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। इसी ऑर्डर में फिर चलेंगे थ्री, और फिर एच का मान वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस वन फाइव। ये हम जरूर ध्यान रखेंगे इस वैल्यू को पुट करने के बाद कि हमारी जो वैल्यूज़ है, अगर हम लोअर लिमिट से स्टार्ट किए हैं और अपर लिमिट की वैल्यू लास्ट में हमारी आती है तो हम कंफर्म होते हैं कि जो टेबल हमने ड्रॉ किया है, जो पट्टियों की संख्या यूज़ हुई है, जो कोटियों की संख्या यूज़ हुआ है, वो सही है। अब यहाँ पर देखें तो लोअर लिमिट हमारी वन और अपर लिमिट फाइव, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट फाइव, मीन्स हमारा टेबल यहाँ पर सही है। इतना कन्फर्म करना पहले ज़रूरी, उसके बाद फिर अब हम चलेंगे वाई वाले पर। अब y में जैसे कि हम लोग जानते हैं टेबल बनाना, 1 अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ के लिए आएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वन प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू। इसमें जाएंगे 1 अपॉन वन प्लस टू, इट मीन्स 1 अपॉन थ्री, 1 अपॉन वन प्लस थ्री, इट मीन्स 1 अपॉन फोर, 1 अपॉन वन प्लस फोर, 1 अपॉन वन प्लस फाइव, 1 अपॉन सिक्स। अब ये वैल्यूज़ हमारी मिल गई, y0 का मान 1 बाई टू, y1 का मान 1 बाई थ्री, y2 1 बाई फोर, y3 1 बाई फाइव, y4 1 बाई सिक्स। अब इतनी वैल्यूज़ को उठा करके हम अपने जो फार्मूला है a इज इक्वल टू h बाई टू वाले फार्मूले पर पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ y3 तक लेंगे, वो क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा जो फार्मूला था वो लास्ट में था yn माइनस वन, इट मीन्स हमारा जो y4 है वो हमारा yn। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे h की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 अपॉन टू ब्रैकेट y0 1 बाई टू प्लस yn एन मीन्स आखिरी पद y4 का मान रखेंगे 1 बाई सिक्स प्लस टू 1 बाई थ्री 1 बाई फोर 1 बाई फाइव। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल होगा। आई होप कि आप इतना प्रोसेस अच्छे से समझ सके होंगे कैलकुलेशन पार्ट।